5 लाख रुपए लिए। तो फिर आप बात नहीं बनी आगे आपके? हम वापस ढाके वापस आ गए। कैसे? वहाँ कुछ काम ही नहीं था, फ्रॉड चल रहा है वहाँ, बच्चों को पीट भी रहे हैं। हमारे से ये पर्सन आया था टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए जी। हमने टूरिस्ट वीज़ा देते हैं हम सिंगापुर थाईलैंड दुबई घूमने का, ठगा ही था हमसे और क्या किया है। सारे सबूत है मेरे पास, दूसरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है इनकी, खुद की रिकॉर्डिंग है, वीडियो भी है, इनके ऑफिस में जाके हमें करवाई थी। अच्छा, तो सर ये क्या क्या मामला? ये जनाब ऐसा है, इनकी खुद की वीडियो फोटो के साथ है मेरा कुछ। ये जनाब ऐसा है, इन्होंने सिंगापुर का स्टडी वीजा लगवाया था हमारे से। न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले दिनों का एपिसोड आपने जरूर सुना होगा कि होटल पे पुलिस ने रेड की है और कुछ लोगों को पकड़ा था, उन पे जो है वो तरह तरह की धाराएं लगा दी। लेकिन आज एक केस ऐसा आया है, ऐसा केस आया है जिस पे धाराएं लगनी बेहद ज़रूरी है। क्या पुलिस इन लोगों पे धाराएं लगाएंगी वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन केस क्या है वो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें देखिएगा, ये युवक है कुछ जिनकी पिटाई भी की गई है। ये भारत से विदेश जा रहे थे, विदेश जाने के नाम पे इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, ठगी हुई है। जैसे ही उन युवकों को पता चला कि ठगी हुई है तो उन्होंने जो है वो अपने यहाँ भारत में जो रह रहे साथी हैं उनसे पता किया, उनको बताया, तो उन लोगों ने जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लिया। और इस वक्त मैं जो नए बस स्टैंड की पुलिस चौकी है यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, और जो इमिग्रेशन संचालक है जो उसको जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और यहाँ पे अंदर जो है वो हिरासत में पुलिस उससे पूछताछ जो है वो लगातार कर रही है। खैर, उसके साथी हैं जो युवक फंसे हुए हैं, उनके साथी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, मामला क्या है पूरा, कहाँ के युवक हैं वो? अपने लोकल सिरसा के आरबार गांव, चाहे आप चोपटा लगा लो, चाहे कलावली लगा लो या रानिया लगा लो। कुछ बच्चों को कम से कम 15 से 20 दिन पहले आर्मेनिया भेजा गया, 15 दिन पहले ये कह के 15 दिन का वीज़ा दे के कि आपको जर्मनी भेजेंगे वर्क वीज़े पे, ठीक है। उनको 15 दिन का वीज़ा दिया वहाँ पे, 15 दिन का वीज़ा देने के बाद में उन बंदों का वहाँ पे वीज़ा भी खत्म हो गया। उन्होंने उनको कॉन्टैक्ट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। अच्छा, अभी आपको बताया, अगर बाहर कंट्री के अंदर वीज़ा ख़त्म हो जाता है किसी बंदे का तो एज ए वो एक इनलीगल नागरिक है उस देश का। तो अभी रिसेंटली कल रात को इनके साथ मार पिटाई हुई है, पुलिस के ये भागे भी हैं, कुछ बंदे डोंकी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो बंदा, ये सक्सेस इमिग्रेशन नाम से है, ये बंदा कह रहा है, अभी ये कह रहा है मैंने पहले तो ये कह रहा था, अभी मैंने एक बंदे का भी वीज़ा नहीं दिया, ना कोई मतलब एक घूमने के लिए दिया है, ना वर्क वीज़ा दिया, ना स्टडी वीज़ा दिया, कुछ भी मैंने नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद में इसने कहा भी मैंने एक बंदे को भेजा, इवन इस बंदे ने कम से कम 4 या 5 बंदों को भेज रखा है। अभी हमें, हमारी मांग यही है भाई कि जो बंदे बाहर आर्मेनिया बैठे हैं, सुसाइड करने की बात और कर रहे हैं जी, वो सुसाइड करने की बात कर रहे हैं, अगर डोंकी भी करेंगे तो उनको गोली लगने का भी चांस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा, ये तमाम युवक हैं। यश बेनीवाल जो है वो अपनी आईडी से लाइव जो है वो यहाँ पे हो रखा है, और लाइव हो करके पूरा जो घटनाक्रम है उससे जो है वो पुलिस को भी अवगत करवाया। ये अभी इससे मैं इसके साथ भी लाइव हूँ, तो ये बंदा ई वीज़ा दिखा रहा है। यश मोहित, मोहित वो दिखा दिखा दिखा, पेज दिखा, पेज दिखा, ये देखिए सर, ये देखिए, ये अच्छा। तो ये कितने लोग गए हुए हैं वहाँ? देखो अप्रोक्सीमेटली 15 जने साथ में है, अभी हाल फिलहाल 15 जने साथ में है, ठीक है जी। और ऐसे पता नहीं हरियाणा के अंदर 1500 होंगे, पंजाब के अंदर 3000 होंगे, 30000 होंगे। वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, बाकी ये जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। तो ये ई वीजा लेकर के गए, कितने लोग हैं भैया बताइएगा? अप्रोक्सीमेटली 15 के जने हैं। 15 जने, हाँ जी। अच्छा, 15 के 15 ही ऐसे फंसे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला फंसे हुए हैं, या आपने एक्शन क्यों लिया इन पे? आपके कोई जान पहचान? देखो एक्चुअली, देखो आप दोस्त हो चाहे भाई हो, अगर कोई बंदा किसी भी समस्या में फंसा हो जिंदगी के अंदर या कहीं भी फंसा हो, तो हम सीधा सा भी एक दूसरे से शेयर करते हैं।
तो इन बंदों ने हमें बताया था कि भी ऐसे ऐसे करके हम वहाँ पे फंसे हुए, उस बंदे ने हमारे साथ ये किया था, ठीक है, और ये इसका कार्ड है सक्सेस इमिग्रेशन वगैरह कुछ, ठीक है जी, लिखा हुआ। तो मतलब ये बंदा थोड़ा शायरी वगैरह हो गया वगैरह करता है इंस्टाग्राम पे, ये सब कुछ करता है, आज की जनता को सभी को पता है ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो इस बंदे ने थोड़ी सी गुहार लगाई है, अगर इसका साथ ना दें हम तो भी गलत है, अगर किसी का किसी को हम पे दबाव डाल रहा है उसका दबाव साइन करेंगे तो वो भी गलत है। हाँ जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। अभी पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है और वो युवक भी आपको दिखाएंगे कि कौन सा है जो इमिग्रेशन वाला है। इस तरह के फ्रॉड जब होते हैं तो पुलिस जो है वो उस पर पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए। होटल में छापेमारी करने से बेहतर है कि इस तरह के फ्रॉड जो हो रहे हैं उन पर ज़्यादा एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 15-15 लोगों का सवाल है, 15 वो देश के नागरिक, देश के युवा जो देश के बाहर जो है वो बिना रोटी के बिना पानी के जो है वो तरस रहे हैं और सुसाइड करने को मजबूर जो है वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। अभी कल उन्होंने बताया भी सूखा आटा खाया है अभी, जब जब जिस बंदे के अंदर इतनी मतलब उसकी मजबूरी हो जाए तो देखो उसके साथ क्या हो सकता है भी, आप बताओ। मतलब हम यहाँ पे चैन की सांस ले रहे हैं, हम जैसे चल रहे हैं वैसा कुछ है, सब चलो सब कुछ ठीक है ज़िंदगी के अंदर, लेकिन कम से कम इस बंदे को ये तो देखना चाहिए भी किसी माँ का बेटा मर रहा है, किसी बाप का बेटा मर रहा है, किसी का भाई जा रहा है। के बाद धमकी दिया जी, ठीक है, ये देखिएगा, ये यहाँ पे लाइव जो है वो शिकायत है, पुलिस के द्वारा जो है वो लिखी जा रही है, लाइव चल रहा है सारा का सारा सिस्टम जो है, क्योंकि पुलिस उनके बयान जो है वो नोट कर रही है। यहाँ पे जो है वो दिखाई नहीं देगा, अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। चल रुतास, दिन का बोला है इसने भी, 4 दिन के अंदर आपका बच्चा वापस लेके देंगे, इतने हमको कोई कार्यवाही नहीं करनी, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, अब इन्होंने लिखित में यही लिया है। नहीं, अगर 3 दिन बाद आपके जो दोस्त है वो वापस नहीं आए और ये कहीं भाग गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? लिखित है सर, इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, फिर पुलिस होगी, पुलिस को मानते हो? हाँ हाँ, आपको भरोसा है कि पुलिस अगर ये 3 दिन बाद नहीं आया तो इसको ढूंढ लाएगी? सर आश्वासन तो पूरा दिया जी इन्होंने, बाकी देखते हैं सर 3 दिन के बाद पता चलेगा। नमस्कार, आज ये जो हंगामा हुआ कि कुछ लड़के आपने भेज दिए वर्क वीज़ा के नाम पे, टूरिस्ट वीज़ा, और वो वहाँ पे फंसे पड़े हैं, क्या कुछ कहना है आपका? नहीं जनाब, ऐसा है अभी एजुकेटेड पीढ़ी है जी, पहले वाली बातें नहीं है कि हमने कुछ भी वीज़ा पकड़ा दिया और कोई भी चला गया जी। हमारे से ये पर्सन आया था टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए जी, हमने टूरिस्ट वीज़ा देते हैं हम सिंगापुर थाईलैंड दुबई घूमने का, अब कोई भी पर्सन आता है जी मुझे टूरिस्ट वीज़ा दे दो मुझे घूम के आना है, हम उसको टूरिस्ट वीज़ा दे देते हैं, हमने 2000 रुपये इससे लिए थे टूरिस्ट वीज़ा दे दिया, उसके बाद ये कब गया कैसे गया वहाँ इतने दिन क्यों रुका, वो 21 दिन का वीज़ा था, उसके बारे में हमें कोई डिटेल नहीं है। आज 20-25 लोग 30 लोग हमारे ऑफिस में इकट्ठे होके आए, गर्मा जोशी में मुझे दबाव भी डालने की कोशिश की इन्होंने, फिर मैंने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को भी बुलाया और बुलाने के बाद हम थाने में आए तो इन्होंने मेरे को यहाँ पर भी दबाव दे के कहा कि उसको वापस बुलाया जाए, तो मैंने लिखित में दे दिया कि ठीक है, हालांकि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है ना उसको भेजने में। लिखित में दिया कि 3 दिन तक उन लड़के को वापस लेके आऊँगा जी, लेके आएंगे आप 3 दिन बाद? हाँ 3 दिन में वापस बुला देंगे जनाब, देखिए प्रोसेसिंग। अगर आपने भेजा ही नहीं था तो आपकी क्या जिम्मेवारी है वापस? जनाब ऐसा होता है, अब 25-30 लोग आ गए हैं इकट्ठे होके, दबाव है, गर्मा गर्मी है, पुलिस अपने जनाब भी सामने थे, पुलिस ऑफिसर भी, तो वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं आप इसको वापस बुला दो, इतनी बात भी अगर मैटर ख़त्म हो रहा है आपका, और उनका भी यही दबाव था जी हमारे लड़के को वापस बुला दिया जाए वहाँ पे, वो सेफ नहीं है। कितने लड़का है? एक ही लड़का है जनाब। बता रहे थे अभी 15 लड़के हैं। देखो जी वो किसी और एजेंट का मैटर है, वो मेरा मैटर नहीं है, वो क्या मैटर है मुझे उसके बारे में जानकारी भी नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही लड़का है, मैंने टूरिस्ट वीज़ा दिया था, हालांकि मैंने लिखित में भी दे दिया कि चलो कोई बात नहीं उसको वापस भी बुला देंगे, उसकी जो टिकट विकेट और हिसाब किताब होगा हम बाद में बैठ के कर लेंगे, ये मैंने रिटर्न में दे दिया। 6 लाख रुपए लिए हैं जनाब, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से कोई भी कुछ भी बोल सकता है, आजकल मीडिया का ज़माना है, लाइव आके कोई भी कुछ भी बोल सकता है, और दूसरा क्या होता है जो आदमी समाज में प्रतिष्ठित है उसको आजकल ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, आप भी समझदार हैं, ये छवि खराब करने का भी कोई षड्यंत्र? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकता है जी, अब क्या हमारा मार्केट में अच्छा नेम फेम है परमात्मा की कृपा से, अब आजकल आप देखते हैं हॉस्पिटलों में अगर कोई पेशेंट मर जाता है
तो उसके घर वाले भी शीशे तोड़ देते हैं, पुलिस को ले जाते हैं, रोड जाम कर देते हैं। क्या होता है आखिर में 5-7 लाख रुपए देके मामला रफा दफा कर देते हैं। डॉक्टर भी यही चाहते हैं कि चलो हमारी बदनामी ना हो। यहाँ पे भी मेरे से इन्होंने पैसे की डिमांड की थी, हमारी 6 लाख रुपए दिए जाएँ, हमारा कैंडिडेट वापस बुलाया जाए। मैंने 2000 रुपये लिए हैं जनाब, मैं 6 लाख रुपये कैसे वापस दे दूँगा? 800 रुपये का वीज़ा है जनाब, 1200 रुपये मैंने कमीशन खाई है, 2000 रुपये में वीज़ा दे दिया मैंने। आप ले लो जनाब, कोई ले लो मेरे से। दुबई का टूरिस्ट वीज़ा मिलता है जनाब, सिंगापुर का, थाईलैंड का, कुछ वीज़ा ऑन अराइवल हैं, जैसे थाईलैंड का ऑन अराइवल भी है, लेकिन कुछ लोग टेंशन नहीं लेना चाहते, वो यहीं से वीज़ा लेके जाना चाहते हैं, तो हम निकलवा के देते हैं, कोई भी आ जाएगा तो हम दे देंगे सर। 2000 में वीज़ा देते हैं, मेरे पास सबूत है, हमसे 6-6 लाख रुपये लिए थे सारे है, ये मैं जाके आया हूँ, मेरे टिकट और वीज़ा और सारी कुछ है। संदीप फोन पकड़िए, क्या कितना हमसे 5 लाख रुपए लिए थे इन्होंने लिए, रिकॉर्डिंग भी है सारा कुछ है सर, इनसे लिए थे आपने 5 लाख? सर मैंने टूरिस्ट वीज़ा दिया है निकाल के 5 लाख में? नहीं सर नहीं, इनसे मेरे पास रिकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर ही है, ये टिकट देखो मेरी। ये दूसरी टिकट है, वीज़ा दिखाइएगा एक सेकंड, इन्हीं में ये मेरा वीज़ा है, इनसे लगवाया है, इनसे लगवाया है। 5 लाख रुपए लिए, तो फिर आप बात नहीं बनी आगे आपके? हम वापस जाके वापस आ गए। कैसे? वहाँ कुछ काम ही नहीं था, अच्छा फ्रॉड चल रहा है वहाँ, बच्चों को पीट भी रहे हैं। हमसे वर्क वीजा कह के लिए थे, ये मनोज पटेला यही है, इनका नंबर दिखा देता हूँ आपको। अच्छा ये नंबर है इनका? अच्छा ये नंबर है इनका। हाँ इन्होंने क्या कह के दिया था आपको वीजा? इन्होंने कह के दिया था कि हमें 1.5 लाख रुपए से 1,20,000 रुपये सैलरी फिक्स होगी और 30,000 आपका बोनस ले होगा, 1.5 लाख होगा, लेकिन वहाँ 40-50,000 रुपये सैलरी मिलती है और क्या नाम ले रहा वो सैलरी मिलती नहीं है। और हमसे ये बोला था कि आपको साइकिल या मोटरसाइकिल जो भी लेगा आप डिलीवरी करोगे वो आपको फ्री मिलेगा, लेकिन हमसे वहाँ पर साइकिल 15,000 रुपये मिले बोले, और बाइक ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 50,000 रुपये लगेंगे, उसका तेल भी खुद का होगा, सारा कुछ ऐसे ही किया, खाना भी हमारा था, खाना है था ही नहीं, नहीं आया आपके वापस आ गया आप वहाँ करते क्या, वहाँ घर से पैसे लग रहे थे हमारे। अच्छा इनको फ़ोन किया, ये बोले कि आप काम करो हम आपको 50,000 की सैलरी वो लगवा देंगे नौकरी, पहले तो उन्होंने 1.5 लाख बोला, फिर कहता है 50,000 की आपकी प्राइवेट जॉब लगवा देंगे। आपको ठगा महसूस करते हो? ठगा ही है था हमसे, और क्या किया है, सारे सबूत है मेरे पास, दूसरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है इनकी, खुद की रिकॉर्डिंग है, वीडियो भी है, इनके ऑफिस में जाके हमें करवाई थी। अच्छा सर ये क्या क्या मामला? ये जनाब ऐसा है, इनकी खुद की वीडियो फोटो के साथ है, ये जनाब ऐसा है, इन्होंने सिंगापुर का स्टडी वीज़ा लगवाया था हमारे से। ये देखो इसमें अर्मेनिया, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ पूरी बात, देखिए इनको भी अधिकार है बोलने का, लोकतंत्र है, मेरा को भी अधिकार है बोलने का, इन्होंने अपना पक्ष रख दिया। इन्होंने मेरे से सिंगापुर का स्टडी वीज़ा लगवाया था, उसके बदले में हमने इनसे कुछ पेमेंट ली थी, लेकिन बाद में 2 दिन बाद ये आए कि इसको कैंसिल कर दिया जाए, हम सिंगापुर नहीं जाना चाहते, तो हमने उसको कैंसिल भी कर दिया और इनको इनकी पेमेंट भी वापस कर दी। उसके बाद इन्होंने आर्मेनिया का हमें बोला कि टूरिस्ट वीज़ा निकाल के दे दें, वो हमने सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा निकाल के दिया है, और जो इनसे पेमेंट ली थी हमने इनसे वो वापस भी कर दी, उसके बकायदा मेरे पास रिटर्न भी है। वो भी हमसे एग्रीमेंट करवाया था कि आपका और हमारा कोई मैटर नहीं है, वो घर वालों ने सोचा जितने मिल रहे हैं उतने एक बार उतने ही सही, वो उनकी भी रिकॉर्डिंग है, फोटो भी है, इन्होंने आपका एग्रीमेंट करवाया, कहीं जाए तो ये कोर्ट में जाके पैसे निकलवा ले। अच्छा सीधी बात यही है, हम आपको 2.5 लाख दे दिए वापस। हाँ 2.5 लाख दिए, उसके बाद बोला आपका हमारे पास कुछ नहीं है। क्या एक सेकेंड, वो तो जनाब क्या होता है, बहती गंगा में सभी हाथ धोना चाहते हैं, अब कोई एक मैटर उछला है तो उसके ऊपर ये बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है जी, चलो हमारा भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। घर से वापस भाग गया, मैं भाई तो बता रहा हूँ लाइव देख के, नहीं जनाब देखो अब मान लो मैं बता रहा हूँ ना, आजकल का टाइम ऐसा है कि पैसा ठीक है, अगर बहती गंगा है तो पैसा कुछ निकलता है तो निकाल लो जाके, करना क्या है, वीडियो के सामने बोलना ही तो है, बस यही मैटर है जनाब, और कोई मैटर नहीं है। हमने बकायदा जो पैसे वापस दिए हैं उसका रिटर्न में हमारे पास प्रूफ भी है, और इनसे रिटर्न में लिया भी है कि हमने इनसे कोई पैसे इनके रखे नहीं है, सारे वापस दे दिए हैं। यहाँ पे जो एजेंट है उसका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने जो है वो टूरिस्ट वीज़ा जो है वो दिया है, लेकिन एन मौके पे जो है वो एक युवक और आता है और उसका भी साफ तौर पे यही कहना है कि उसके साथ भी ठगी हुई है।
अब ऐसे में लगातार दो से तीन लोग जो है वो यहाँ पे आ चुके थे, लेकिन एक कैमरा के सामने आया जिसने ये कहा है कि वो भी ठगा गया है। 5 लाख रुपए में बात हुई थी, 2.5 लाख रुपए वापस हो चुके हैं, 2.5 लाख रुपए अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। खैर, ये जो तमाम युवक फंसे हुए उसमें से जो यश बेनीवाल है वो यहाँ से इस एजेंट का भेजा हुआ है और उसका साफ तौर पे कहना है कि उसके लिए 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो यहाँ पे वापस बुला लिया जाएगा। अब एजेंट साफ तौर पे ये कह रहा है कि उसके द्वारा नहीं भेजा गया, टूरिस्ट वीज़ा पे भेजा गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि टूरिस्ट वीज़ा पे भेजा गया उसकी जिम्मेवारी नहीं है, तो वापस बुलाने की जिम्मेवारी उसकी कैसे हो जाती है। अब खैर, जैसे भी चलिएगा, वापस बुला भी लेता है, वापस आता है या नहीं आता, या नहीं आता है तो पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करती है वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, लगातार इस मामले पर नज़र जो है वो हमारी बनी रहेगी, क्या कुछ अपडेट रहती है वो भी हम आपको बताएंगे। लगातार जो है वो केयर याना के साथ बने रहिएगा।